भांति सभी विश्वासियों की सेवा करें और सब कुछ को प्रभु की महत्तर महिमा के लिए करें। प्रसारित लातेरन महागिरजा रोम से 30 नवंबर 2023 के हमारी 11वीं वार्षिक में किया गया। भाग देने और इसका साक्ष्य देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हैं, इससे यही साफ जाहिर होता है कि हम सबके हृदय में एक दिमागिस के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना आदर सम्मान है, कितनी भक्ति है और धर्मादेश से हम क्या आशा नहीं करते हैं कि वह ईश्वर के साथ रहकर हम सबके लिए प्रार्थना करें, एक भला चरवाहा बनकर हम सबकी देखभाल करें, जैसा कि हमने पहले पाठ में सुना। करीबन 2 सप्ताह पहले से ऐसे ही मनोभाव के साथ हम सब ने प्रभु यीशु ख्रीष्ट का जन्मोत्सव मनाया था। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट शरीर धारण से अपने हमने समझा कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे जो कोई पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो। ईश्वर ने अपने पुत्र को एक मुक्तिदाता के रूप में, अपनी प्रजा के चरवाहे के रूप में, अपनी प्रजा के प्रशासक के रूप में और अपनी प्रजा के शिक्षक के रूप में भेजा, ताकि उसके पुत्र की शिक्षा से मनुष्य जाकर सही मार्ग अपना सके और स्वर्ग की ओर बढ़ सके। ईश्वर ने अपने पुत्र के साथ जीवन दिया। दरअसल प्रभु यीशु स्वयं सत्य मार्ग और जीवन है। ईसा मसीह और उसकी मुक्ति ही सुसमाचार है। अपने सर्वरोवन के पाले अपने प्रेरितों को सुसमाचार फैलाने के लिए भेजते हुए हमारे प्रभु यीशु ने कहा, संसार के कोने कोने में जाकर Oh!
जरा बताइए, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपके लिए मैं रोजाई क्या देना चाहूंगा, खिल उठे चेहरे खिल उठी गलियां, खिल उठे चेहरे खिल उठी गलियां, हंसी लगती है जब भी आप आते हो इस मंच पर, कार्यक्रम पर तालियों से महफिल में सजा करती है। अतः तालियां होनी चाहिए इस वक्त हमारे नव अभिषेक बिशप स्वामी सभे लिनुस पिंगलिका गुमला धर्मप्राण और विशेष हमारे अतिथिगण नैन्सी नेपाल और भारत के साथी हमारे बीच में हमारे बिशप गण उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। टीम है उनसे आज आप बिल्कुल तैयार रहे। पहले नंबर में मंगलाचरण उस लाइन कॉन्वेंट गुमला की ओर से, दूसरे नंबर में स्वागत हासन फ्लोरा मेन और उसी समय होगा कार्तिक सभा महिला संघ की ओर से स्वागत।